भक्ति में नहीं आती है, क्योंकि भक्ति माना जैसे किंडरगार्टन होता है ना, वो खेल करते रहते हैं गुड़ियों की पूजा जो बाबा कहते हैं, कभी गुड़ा बनाया, कभी गुड़िया बनाई, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ कराए, उसकी शादी कराए, उसकी पूजा किया, ये किया वो किया, है ना। तो किंडरगार्टन है ना वो, तो किंडरगार्टन में कभी एग्जाम होती है क्या? प्ले स्कूल में कभी एग्जाम होती है क्या? वहां तो प्ले ही करना होता है ना, खेलते रहना होना होता है। तो भक्ति तो प्ले स्कूल है ना, तो प्ले स्कूल में कभी एग्जाम थोड़ी होती है। लेकिन प्ले स्कूल क्रॉस करके जब आप स्कूल में आए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए ना, अब विद्यालय में परीक्षा नहीं होंगी तो कहां होंगी, सोचने की बात है। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद हर रोज एक नई परीक्षा होती है, हर रोज एक नई परीक्षा होती है। यूनिट टेस्ट भी देने पड़ते हैं, हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो नेचुरल है, इतनी परीक्षाएं तो बढ़ेगी ना, पेपर तो टफ होते जाएंगे। तो हर रोज की पढ़ाई जो पढ़ी, आज जो बाबा ने मुरली सुनाई, आज की जो पढ़ाई पढ़ी, तो आज की पढ़ाई के हिसाब से तो पेपर तो आएगा कि नहीं आएगा। और जितने पेपर क्रॉस करते जाओ, कोई अनुभव प्राप्त करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो क्या होगा, अनुभव ही होते जाएंगे। साथ ही साथ जैसे कईयों को आगे रिसर्च करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, पास होते जाएंगे तो नए नए रिसर्च भी तो करेंगे कि नहीं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी माना क्या होता है, रिसर्च होता है। तो प्रतिदिन हम रिसर्च करें, कोई बात आई ये ज्ञान की पॉइंट का रिसर्च करें, योग का रिसर्च करें, अपनी धारणाओं का रिसर्च करें, सेवा के द्वारा रिसर्च करें, चाहे मनसा सेवा से रिसर्च करें। तो प्रतिदिन जैसे कोई भी इंसान को जब पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो थीसिस लिखना पड़ता है, और उसके लिए उसको हर एंगल कवर करना ही पड़ता है। जब हर एंगल कवर होगा तभी तो उसको पीएचडी मिलेगी। कोई भी एंगल अगर छूट गया होगा तो पीएचडी थोड़ी मिलेगी, डिग्री थोड़ी मिलेगी। तो हमें भी पास विथ ऑनर की डिग्री लेनी है, तो डिग्री बिना एग्जाम के थोड़ी डिग्री हो सकती है, बिना रिसर्च के थोड़ी डिग्री हो सकती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को जितना पेपर ज्यादा आते हैं तो बाबा का खुशी होनी चाहिए कि इसका मतलब हमने पिछला पास किया। तब अगर नहीं पास किया तो दोबारा वो देना पड़ेगा। जब तक पास न करो तब तक तो देना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो या तो एक बार में पास कर लो, हाँ, या तो बार बार फेल होकर के बार बार फिर वही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, पास नहीं हो रहे हैं, तो पास तो करो। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपना अपनाओ, इसको परीक्षा के रूप में नहीं देखो, लेकिन ये मुझे कुछ देने आई है, ये परिस्थिति, समस्या, ये बात मुझे कुछ न कुछ प्रदान करने आई है, कोई ना कोई अनुभव देने के लिए आई, जो अनुभव फाइनल एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि अगर ये अनुभव नहीं होगा तो फाइनल एग्जाम में अगर वहीं से पेपर आया तो फेल हो जाएंगे। तो ये तो थैंक्स करो बाबा का, माया का, कि हर एंगल से हमें अनुभवी बना रही है कि नहीं। तो फाइनल एग्जाम में तो पास होना ही होना है, तो खुशी बढ़ेगी, और खुशी होगी तो अवस्था हमारी सेफ।
अगर खुशी नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो अवस्था को इफेक्ट किए बगैर रहेगी नहीं। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना हमारे पास जमा हो जो किसी भी एंगल से कोई भी बात आए उसको हम वही शस्त्र यूज करके अनुभवी बन जाए, क्योंकि अनुभव फाइनल में बहुत काम आने वाला है। फाइनल में ये मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो थैंक्स माया को और थैंक्स बाबा को, ड्रामा को, कि आप हमें अनुभव। तो आज के बाद ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने इतने पेपर क्यों, है ना, मेरे सामने, मैं लकी हूं जो मेरे सामने इतने पेपर आ रहे हैं, है ना। ये सोचना चाहिए ना, मैं लकी हूं जो हर रोज एक नई चैलेंज, एक नया पेपर मेरे सामने आता है। तो इसका मतलब मेरे में इतनी एबिलिटी, मेरे में इतनी क्षमता है। जिसके अंदर क्षमता होगी उसके पास ही तो आएंगे। जो रोने वाला होगा उसको थोड़ी भेजेगा, वो भी पुराना ही पकड़ करके रो रहा है तो ड्रामा कहेगा छोड़ो इसको, इसको तो फेल ही होना है। अगर कोई परीक्षा नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रेता युग वाले बनना हुआ ना। जो फेल होने वाले वो कहाँ जाएंगे, वो तो त्रेता में ही जाएंगे ना। पास होने वाले के सामने ही तो पेपर आएंगे, पास होते 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 फाइनल में संपूर्ण पास हो जाएंगे। जो फेल होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं हर बात में फेल, तो समझ लेना चाहिए वो कहाँ जाने वाला है। तो इसीलिए या तो स्कूल में एडमिशन नहीं कराओ अगर पेपर से डर लगता है तो। वही भक्ति मार्ग ठीक है, कई लोग इसलिए वापस चले जाते, भक्ति मार्ग ही ठीक है, वहां परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। अरे भाई कितने साल वहां बैठे रहेंगे, प्ले स्कूल में कितने साल बैठेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो पेपरों का सामना तो करना ही होगा।